बच्चों, कैसे हैं आप? और आज हम आपसे कुछ बातचीत कर रहे हैं और आज हम ऐसा पाठ आपको पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके व्यवहारगत जीवन उपयोगी हो सकता है। बच्चों, आज हम आपको एक घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये वैसे पाठ नहीं है और पाठ भी है लेकिन सिर्फ पढ़ने योग्य है। बच्चों, हम आपको बता दें कि पहाड़ से ऊंचा आदमी, पहाड़ से ऊंचा आदमी, तो इसमें आज हम आपको बताएंगे 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए आप सोचो कितना वक्त लगता है। 360 फीट लंबा और 300 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना समय लगता है, सोचिए और बताइए। देखिए, आप 1000 साल कह सकते हो, 100 साल कह सकते हो, 50 साल कह सकते हो, है ना? और निश्चित तौर पे आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हो गई है जिससे 5-10 दिन में पहाड़ को काटा जा सकता है। आज टेक्नोलॉजी के इस युग में सवाल का जवाब किसी भी बात पर निर्भर कर सकता है, किंतु आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए यदि आप किसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इस काम को एक शख्स के द्वारा ही अंजाम देना है या कोई एक अकेला इस काम को करे तो कितने समय में कर ले, यही बात हमें आपसे पूछनी है। बच्चों, शायद ये चकरा देने वाला प्रश्न होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गेल्लोर गांव में एक मजदूर परिवार रहता था और उसमें जाए जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजुओं के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर दिया। पहाड़ को हिला देने वाले एक ऐसे शख्स की एक छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको यह शिक्षा मिलेगी कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी, कदम से कदम बढ़ाए हुए चलना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, थक जाते हैं, झिनझिनाते हैं, बड़बड़ाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े साध लेते हैं लेकिन उसके ऊपर क्रियाशील नहीं हो पाते हैं, इसलिए लोग आत्महत्या करते हैं। बच्चों, आत्महत्या करना सबसे बड़ी जीवन की कायरता है। जो लड़ नहीं सकता है वो जीवन हार जाता है और जीवन हार जाता है वो लड़ नहीं सकता। सच्चा वीर वही होता है जो जीवन में आने वाले संघर्षों से लड़े, घबराए नहीं, आत्महत्या न करे। आत्महत्या तो सबसे बड़ी कायरता है। बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, जो सुसाइड करता है, वो जीने के लायक ही नहीं था, उसको तो भगवान ने ऐसे ही जन्म दिया। वो तो इस संसार को देख करके या मेहनत का नाम लेते ही घबरा गया, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस होने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बार बार हारना पड़ता है। और आपको मालूम है, आपने गीत सुना होगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। आपने कभी बच्चों चींटी को देखा होगा दीवार में चढ़ते, बार बार चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन अंत में उसको क्या मिलती है, सफलता मिलती है। इसी प्रकार आज हम एक ऐसे शख्स की बात आपको बता रहे हैं जो बिहार के गया जिले के गेल्लोर गांव में जन्मा था, मजदूर परिवार था और उस बुजुर्ग में ऐसी ताकत थी कि उसने पहाड़ को भी हिला दिया। उसका नाम था दशरथ मांझी। ने राजधानी दिल्ली में 2000
साथ में अंतिम सांस ली थी और उनका जन्म 1934 में हुआ था। बच्चों हम आपको बता दें कि वर्ष 1966 की किसी अंश में चला था एक छेनी और हथौड़ा लेकर के, और वो शख्स था दशरथ माझी। अपने गांव के पास किसी पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोग इस बात को जानते थे कि शख्स ने अपने दिल में क्या भावना, क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य लेकर के जीवन में इसको ठाना है। लक्ष्य लेना और ठान लेना ये अलग बात है। बच्चों दशरथ मांझी जब पहाड़ के पास पहुंचे, हालांकि उनको मजदूरी मुख्य धंधा था और मजदूरी और कभी कभार इधर उधर का काम करके दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले लोगों से रहा नहीं गया। गांव के लोग आकर कहे थे कि भाई दशरथ क्या कर रहा है, तो वो कहता मैं पहाड़ को काट रहा हूँ और रास्ता बना रहा हूँ। लोग उस पर हंसते थे, लोग इसे पागल समझते थे, तो सभी लोगों के लिए वो एक तरह से हंसी का पात्र बन गया। वह क्या था बच्चों, उसकी जीवन संगिनी थी फाल्गुनी देवी। उसका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा था और समय पर इलाज नहीं हो पाने के कारण उसने उसको खो दिया था। दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धुन का पक्का था। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद में रंग लाई, जब इस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव की तरफ निकल चुका था। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ को चीरना पड़ा? दरअसल बात यह है, पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया जब तक दशरथ के गांव में सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल, जो कि उसके गांव से 90 किलोमीटर दूर पड़ता था, दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब हुई और उसे वहां ले जाने के लिए उसको समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण या समय बहुत पहाड़ को चारों तरफ घूम करके और उस गांव तक आना पड़ता था वजीरगंज, और वो ले जाने के दौरान भी उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। उसे लगा कि पहाड़ से कोई नज़दीक रास्ता होता, यानी पहाड़ से इधर से उधर यदि नज़दीक रास्ता होता तो शायद उसकी पत्नी का जीवन बच सकता था। कई बार हम बीमार को ले जाते हैं और टाइम लग जाता है ना, वाहन सुविधा के कारण या समय लंबा होने के कारण, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि थोड़ी देर पहले ले आते तो शायद जिंदा बच सकता था, यानी समय की कमी के कारण, रास्ता लंबा होने के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया। और उसको ये जीवन भर मलाल रहा कि यदि कोई शॉर्ट रास्ता होता, कोई नज़दीकी इस पहाड़ से गुजरने का रास्ता होता तो शायद मेरी पत्नी जिंदा होती और वह समय में उसका इलाज करा पाता। बच्चों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो, है ना। आपने और कविता की लाइन में आपको पढ़ सुना रहा हूँ कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ करना। वो तो मिलकर के एकता की बात रही, लेकिन यहाँ इस बंदे ने तो अकेले ही इतने बड़े पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, और वो था दशरथ मांझी। बच्चों जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी हुई छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का एक मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति के रूप में उसने तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहा। धीरे धीरे लोगों ने उनकी भावनाओं को समझा और धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग उस
उससे जुड़ता चला गया और वहाँ पर एक दान पत्र रखा गया जिसमें लोग चंदा डालते थे कि लोग अपने घर से अनाज भी उसको देते थे। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि गेलोर से वजीरपुर जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर पर ला देने वाला यह एक मजदूर, जिसके हम कह सकते हैं ये एक प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा है, कुंवर मैस ताजमहल, इस रास्ते को उसने नाम दिया कुंवर मैस ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब वह पकड़ कपीरपंथी की तरह ययावरी जीवन जी रहे। दशरथ मांझी ने उसे अपनी एक प्रिय कथा सुनाई और वो कथा मैं भी आपको सुना रहा हूँ कि जो उस इंडिया के बारे में थी जिसका घोषणा एक समुद्र बहाकर के ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां करती है, जिसके तहत समुद्र द्वारा उसका घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखाने की सौगंध खा ली, संकल्प ले लिया। बच्चों, शुरुआत में उसे पागल चिड़िया करार दिया गया, बाकी चिड़ियाएं उसके साथ जुड़ गई, लेकिन धीरे धीरे और फिर विष्णु का महान गुरुड़ भी उनकी कोशिशों में जुट गया। फिर बीच बचाव करने के लिए भगवान विष्णु को आना पड़ा और फिर जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। इस प्रकार समुद्र डर गया और उसने चिड़िया का घोंसला वापस लौटा दिया। तब पत्रकार ने जब उससे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही है, तो उसके जवाब में आंखों से एक शरार करी मुस्कान लिए हुए दशरथ मांझी ने इस बात को टाल दिया। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर जीवन जीने लगे थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार पूरी महज दिखावा नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर की प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझना रहना और तमाम अंध श्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता रहा। वो कहते थे कि जिंदगी भर आकाकशी करते रहे और आदमी की मौत के समय मृत्यु के अच्छे अच्छे पकवान बनकर खिलाए जाते बनाकर खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा लेते हैं और कर्जा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से चलता है। आज बच्चों, दशरथ मांझी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन क्या वे हमें इस मिथ के पात्रों की याद दिलाते हैं प्रतीत नहीं होते हैं? ऐसे पात्र जो हमें पुराणों से मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या वागीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उत्तम या उत्तम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर देती है और अपनी कोशिशों से प्रकृति के दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से भी लड़ती रहती है। हमारे जीवन का फलसफा ये बयान करता है। बच्चों की एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया कि पहाड़ मुझे इतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ऊंचा कोई नहीं होता है। और आपको मालूम है बच्चों, इस दशरथ मांझी के इस कठिन कार्य को एक फिल्म निर्माता ने भी अपनी फिल्म में उकेरा है, यानी इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है। बच्चों, जीवन में सब कुछ बहुत बड़ा नहीं होता है, मनुष्य का जीवन बड़ा होता है। जीवन में यदि हम किसी भी प्रकार का उद्देश्य या लक्ष्य लेकर के चले तो बड़ी सी बड़ी बाधाएं भी पार की जा सकती है। तो ये बच्चों आपके व्यवहारिक ज्ञान के लिए एक बात मैंने आपको कही है, ये पढ़नी नहीं है, इसको सवाल नहीं करनी है, बल्कि इसको जीवन में उतारना है। यदि इतने बच्चों में से एक भी बच्चा इस बात को दृढ़ संकल्प ले ले कि मुझे जीवन में जो मेरी लक्ष्य है या जो मैंने अपना टारगेट लिया है उसमें मुझे सफलता मिल जाए, उसके लिए कठिन मेहनत करें, तो मैं ये समझूँगा कि मेरा पढ़ाना आपको सिखाना सफल है। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।